सीसीटीवी हमारी वो तीसरी आंख बन चुकी है, जो चाहे दिन हो या रात का सन्नाटा कभी बंद नहीं होती। ये हमारी अनुपस्थिति में भी निगरानी रखती है, इसलिए इनमें कभी ना कभी कुछ ऐसे दृश्य कैद हो जाते हैं जो बेहद ही खौफनाक या अजीबोगरीब होते हैं। हिंदी काउंटडाउन पर आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सीसीटीवी में कैद कुछ ऐसे खौफनाक मंजर, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये खौफनाक वाकया दिसंबर 2020 के दौरान वियतनाम के बेन ट्री में उस समय देखने को मिला जब एक महिला और उसका नवजात बच्चा विशालकाय पाइथन के चपेट में आने से बाल बाल बचे। हुआ यूं कि यहाँ एक महिला घर में अपने बच्चे को सुलाने के लिए उसके साथ झूले में सोई हुई थी, लेकिन वो इस बात से एकदम बेखबर थी कि घर में उससे कुछ ही फीट की दूरी पर एक विशालकाय पाइथन भी मौजूद है। वहीं महिला झूले से उतरकर अपने बच्चे को झूला हिलाते हुए सुलाने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन झूला हिलाते हुए तभी कुछ देर बाद महिला की नजर उस पाइथन पर पड़ जाती है और वो कलेजे तक कांप उठती है। पाइथन को देख महिला ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए बच्चे को उठाया और भाग निकली। गनीमत रही कि पाइथन नजर में आ गया, वरना बच्चे के सोने के बाद अगर महिला वहां से चली जाती तो बहुत बड़ा हादसा घट सकता था। कहते हैं बेटियां अपने पिता के सबसे करीब होती हैं, और एक बेटी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से ही करती है। मगर अब हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाएंगे जो आपको अंदर तक हिला डालेगी। सितंबर 2015 तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में घटी ये घटना अगर सीसीटीवी में रिकॉर्ड न होती तो उन्हें पकड़कर जुर्म साबित करना नामुमकिन था। दरअसल 83 वर्षीय राजगोपाल जब बीमार पड़ गए तो उन्हें अपने बेटे के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। तभी एक दिन उनकी डॉक्टर बेटी जया सुधा अपने दो बेटों संग उनसे मिलने आती है। थोड़ी देर बाद वो नर्स को अपने पिता से कुछ प्राइवेट में बात करने को बोल जाने के लिए कहती है। जैसे नर्स जाती है, जया सुधा का बेटा शर्ट के अंदर से कुछ पेपर निकालता है जिस पर जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले लिए जाते हैं। और डॉक्यूमेंट दोबारा शर्ट में डाल दिया जाता है। फिर उनकी बेटी स्पिरिट से अंगूठे पर लगी इंक साफ कर देती है। काम हो जाने के बाद अपने पिता को मारने के लिए अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल कर उन्हें आईसीयू मशीनों से अनप्लग कर देती है। लेकिन तभी कुछ शक होने पर डॉक्टर और नर्स अंदर आते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट के साथ बेटा वहां से खिसक लेता है। थोड़ी देर बाद बेटी और उसका दूसरा बेटा वहां से भाग जाते हैं। नर्स को लगता है शायद ड्रिप अपने आप निकल गई होगी और वो उसे दोबारा लगा देती है, और किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वहां हुआ क्या था। राजगोपाल बच तो जाते हैं लेकिन उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन करीब एक साल बाद इससे राज से पर्दा तब उठता है जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, जिसके बाद केस रजिस्टर कर लिया जाता है और जया सुधा का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द करने की मांग उठती है। अब आप ही बताइए, प्रॉपर्टी के लालच में अंधी बेटी और उसके बेटे को क्या सजा देनी चाहिए। 18 अक्टूबर 2017 को दिन दहाड़े केरल के कोड़ीकोड में एक चौंकाने वाला वाकया घटा, जब एक बीकॉम स्टूडेंट अपने पीजी पर सामान के साथ जा रही थी, लेकिन उसी रोड से लुंगी पहनकर जा रहा एक शख्स उसको अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। लेकिन निडर और साहसी लड़की उसका सामना करती है। वो न केवल उस पर प्रहार करती है बल्कि शोर भी मचाती है, जिस वजह से वो शख्स भागने पर मजबूर हो जाता है। ये सारा वाकया वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है और जिसके वायरल होते ही उस शख्स को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी साहसी लड़की की हिम्मत को तहे दिल से सैल्यूट। महाराष्ट्र के बुढ़ाना में जुलाई 2020 को एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक शख्स पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल लेने गया तो उसे मना कर दिया गया। उस समय जाने के बाद वो वापस लौटा तो उसके हाथ में 3 डिब्बे थे, और उस स्नेक कैचर ने पंप मालकिन सारिका चौधरी के दफ्तर में जाकर तीनों सांपों को छोड़ दिया। गनीमत रही सांप सारिका चौधरी की दिशा में जाने की बजाय दूसरी दिशा में सरसराते हुए निकल गया। सारिका चौधरी तुरंत कैबिन से बाहर आ गई। बाद में जब दूसरे स्नेक कैचर को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया गया तो मालूम पड़ा इनमें 2 जहरीले कोबरा और 1 धामन प्रजाति का सांप था। मई 2017 के दौरान अमेरिका के विस्कॉन्सिन की रहने वाली मेलिसा स्मिथ नामक एक 28 वर्षीय महिला फ्यूल भरवाने फ्यूल स्टेशन गई।
जहां वो अपनी कार में चाबी लगी हुई छोड़ फ्यूल भरने के लिए नीचे उतरी। लेकिन तभी उसकी कार के पास काली कार से उतरकर एक चोर आता है और मोहतरमा की कार चोरी करने के लिए उसमें बैठकर स्टार्ट करता है। लेकिन आज चोरों ने चोरी करने के लिए गलत महिला की गाड़ी पसंद कर ली थी। मेलिसा इतनी निडर और बहादुर थी कि चोर द्वारा कार स्टार्ट करने के बावजूद भी वो कार के बोनट पर तुरंत चढ़ गई और चोर को वापस बाहर निकलने के लिए कहने लगी। लेकिन चोर महाशय ने मन नहीं बदला। जनाब कार को भगाकर मेलिसा को नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। लेकिन निडर मेलिसा की पकड़ चोर की नीयत से कहीं ज्यादा मजबूत थी, जिसके चलते कुछ देर कोशिश करने के बाद चोर उससे हार गया और मेलिसा की कार छोड़कर अपने साथियों संग अपनी कार में भाग निकला। कभी पुलिस की होशियारी से चोर दबोच लिया जाता है तो कभी चोर की होशियारी के चलते पुलिस बगलें झांकती रह जाती है। ऐसा ही कुछ यूएसए में तब देखने को मिला जब पुलिस कार एक चोर के पीछे लगी थी। चोर ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और कार मुड़ते ही कूदकर पेमेंट पर ऐसे चलने लगा जैसे कोई आम राहगीर वहां से गुजर रहा हो। वहीं पुलिस ने जब गाड़ी मोड़ी तो वो गाड़ी के पीछे ही हो लिए। जब वहां टकराई कार में पुलिस को कोई नहीं मिला तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी, तब उन्हें पता चला कि कैसे चोर उन्हें चूना लगा गया। ये चोर इतना शातिर था कि नाइट विजन सीसीटीवी में उसका चेहरा ना आ जाए, इसलिए अपने चेहरे पर फ्लैशलाइट मारता हुआ आगे गया। ऐसा ही कुछ यहां देखने को मिला जब चोर चलती गाड़ी से कूदकर तुरंत राहगीर बन गया, जबकि पुलिस कार पर गन ताने खड़ी रही और तब तक चोर फरार हो गया। किस्मत बलवान हो तो मौत को भी छूकर टक से वापस आया जा सकता है। ऐसा ही कुछ इस दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ, जब एक गाय सड़क पार कर रही थी, लेकिन तभी वो बीच सड़क पर रुक जाती है। वहीं सामने सड़क से एक तेज गति में दूध का एक ट्रक आ रहा होता है। गाय को मरता देख उस ड्राइवर ने खड़े ब्रेक लगा दिए और ट्रक पूरा 180 डिग्री सड़क पर घूम जाता है। लेकिन वो अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल के चलते न केवल खुद को बल्कि गाय को भी बचाने में कामयाब रहता है। जनवरी 2019 के दौरान अमेरिका के लॉस एंजलस में ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि USPS यानी यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज की एक महिला कर्मचारी किसी व्यक्ति के घर एक कूरियर देने के लिए जाती है, जहां बाड़े में बंद कोको नामक एक फ्रेंडली डॉग आता है, जिसे देख महिला ने बिना किसी वजह के अपनी बैग में रखा पेपर स्प्रे निकालकर उस पर छिड़क दिया, जिसके चलते डॉग की आंखों में भयानक जलन होने लगती है। सीसीटीवी चेक हुआ तो हकीकत सामने आई और USPS के अधिकारियों ने अपने कर्मचारी की ऐसी हरकत करने के बाद उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया और मकान मालिक को डॉग के इलाज के पैसे देकर माफी मांगी। खैर, क्या उस मासूम डॉग के प्रति इतने क्रूर व्यवहार पर महिला को बस जॉब से निकाला जाना काफी था या उस पर कोई एक्शन भी लिया जाना चाहिए था, इस पर अपनी राय जरूर दें। 29 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र के नासिक में देवलाली में ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। धवल खातीवाला नाम के एक शख्स ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें दिखाई दिया कि रात के अंधेरे में चुपके से छलांग मारकर तेंदुआ एक घर में घुसा। और दरवाजे पर सो रहे कुत्ते पर अचानक से अटैक कर दिया। लेकिन तेंदुआ जैसे ही अटैक करता है तो कुत्ता भौंकते हुए भाग निकलता है, क्योंकि गले में पहने पट्टे की वजह से तेंदुआ उसके गले पर पकड़ नहीं बना पाता। कुत्ता आगे आगे और तेंदुआ पीछे पीछे भागता है। और सीसीटीवी की नजर से दूर हो जाता है, लेकिन धवल के मुताबिक लीजी नाम का उनका डॉग बचने में कामयाब नहीं हो पाता और तेंदुआ उसे ले जाता है। खैर, हमारी लास्ट वीडियो में हिमाचल में हुए हमले में डॉग लकी रहा और बच निकला, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए डॉग ओनर, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बड़ी बड़ी बिल्लियों को डर है, तो कृपया अपने डॉग की रक्षा का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करें। जनवरी 2019 के दौरान चीन के सबसे बिजी मोटरवे पर लगे ट्रैफिक कैमरे में ये वाकया रिकॉर्ड हुआ। हुआ यूं कि मोटरवे पर चल रही सैकड़ों गाड़ियों के बीच एक बस का ड्राइवर अचानक से बस रोक कर खड़ा हो गया और यू टर्न लेना शुरू कर दिया, जिसके चलते मोटरवे पर भारी जाम लग गया। इतने ज्यादा ट्रैफिक के बीच यू टर्न लेने के पीछे वजह की बात करें तो यहाँ मोटरवे पर कुछ ही दूर आगे चलने पर एक टोल बूथ था, लेकिन इससे बस का निकलना नामुमकिन था और ये इस बात से अनजान थे। घटना के बाद बस ड्राइवर पर फाइन लगाया गया और ड्राइविंग लाइसेंस पर नौसिखिए का ठप्पा लगा दिया वो अलग।
अमेरिका के मिसिसिपी में एशले अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। हर कोई अपने बच्चों के बेडरूम में कैमरा नहीं लगाता, लेकिन चार बच्चों की माँ एशले लिमे ने कैमरा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी एक बेटी को बीमारी है, इसलिए उस पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन एक दिन उसने कैमरे में जो कुछ देखा उससे उसकी रूह कांप गई। दरअसल कैमरा लगाने के कुछ दिनों बाद 8 साल की अलीशा को अपनी बहन के बेडरूम में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। अलीशा जिज्ञासा वश बेडरूम के अंदर गई। बेडरूम में आते ही उसने कुछ ऐसा सुना जिससे वो बहुत डर गई। कैमरे से एक अनजान आवाज ने उससे बात करना शुरू कर दिया। वो अनजान आवाज चिल्लाने लगी और अनाप शनाप बातें करने लगी। वहां से डरावने फिल्म के गाने की धुन बजने लगी। बच्चे बहुत घबरा गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब उसने पूछा कि तुम कौन हो, तो आवाज बोली, मैं तेरा काल हूँ। माँ बाप को जब ये पता चला तो उन्होंने कैमरा कंपनी रिंग से बात की, तो उल्टा उन्होंने इस परिवार की गलती बता डाली कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं लगाया। आज तक पता नहीं चला कि कैमरा हैक कैसे हुआ और किसने किया। बच्चे इस घटना के बाद बहुत डर गए थे और उन्हें आज तक बुरे सपने आते हैं। आपको क्या लगता है किसकी गलती थी? उम्मीद है सीसीटीवी में कैद खौफनाक घटनाओं का पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। आपको किस घटना ने सबसे ज्यादा विचलित किया कमेंट पर जरूर बताएं, और अगला पार्ट देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। प्रदेश की ताजा खबरों के लिए हरियाणा वरदान चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।